नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ श्वेता और आज मैं आप सबके लिए ना बहुत ही टेस्टी नाश्ता की रेसिपी लेकर आई हूँ जो ब्रेड और पनीर से बनकर तैयार होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे लिए एक पैन, इसमें 2 चम्मच के करीब में तेल डाल दिया और तेल के हल्का गर्म होते ही इसमें डालेंगे कटा हुआ लहसुन, अदरक और मिर्चा। और यहाँ पे मिर्चा ना आप ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा यूज करें। और इन सबको 1-2 मिनट के लिए हम फ्राई कर लेंगे, बस इसे ज़्यादा नहीं फ्राई करना, हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए। तो उसके बाद इसमें हम डालेंगे 2 बॉयल्ड आलू। आलू को हमने पहले से उबाल करके इसे ग्रेट कर लिया है, आप इसे ग्रेट करें चाहे मैशर की सहायता से मैश कर लें। और आलू को डाल के 2-3 मिनट भूनने के बाद इसमें डालेंगे कुछ मसाला। मसाला में हमने यूज़ किया है थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक और थोड़ा सा चाट मसाला। चाट मसाला आपका आपके पास नहीं हो तो आप इसमें आमचूर का पाउडर भी डाल सकते हैं या नींबू का रस भी, इससे इस नाश्ता का टेस्ट ना और बढ़ जाता है। और इन सबको हम 3-4 मिनट के लिए पकाएंगे जिससे मसाला ना अच्छी तरह से पक जाए। और यहाँ 3-4 मिनट हो चुका, आलू मसाला हमारा पक गया है। उसके बाद इसमें डालेंगे हम ग्रेट किया हुआ पनीर। दोस्तों इस रेसिपी में ना हमें पनीर ज़्यादा यूज करना है आलू से ज़्यादा, नहीं तो ऐसे है ना आलू का ही टेस्ट आने लगेगा। ये नाश्ता तो सिर्फ पनीर से ही बनता है लेकिन आलू को हमने ना बाइंडिंग के लिए थोड़ा सा यूज किया है क्योंकि ये इससे ना अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और आलू के साथ इसे हम 2-3 मिनट और पका लेंगे जिससे हमारा पनीर भी अच्छी तरह से पक जाएगा। यहाँ हमने 2-3 मिनट तक पनीर आलू सबको पका लिया है। अब इसे हम दूसरे प्लेट में या किसी बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। गैस का फ्लेम हम बंद कर देते हैं और इसे एक प्लेट में निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब तक ये पनीर वाला मिक्सचर ठंडा होता है ना तब तक हम यहाँ पे ब्रेड का किनारा निकाल लेंगे। इसी ब्रेड से हमें नाश्ता बनाना है। ब्रेड को हमने ना चारों तरफ से ये ब्राउन पार्ट निकाल लेना है। इस तरह से हमें ना सारे ब्रेड का ब्राउन पार्ट निकाल लेना है। उसके बाद इस ब्रेड को ना हम बेलन की सहायता से थोड़ा सा बेल लेंगे जिससे और सॉफ्ट हो जाएगा और रोल करने में ना बहुत आसानी होगी। देखिए हमने सारे ब्रेड का किनारा भी निकाल लिया और इसे बेल भी लिया है जिससे सॉफ्ट हो गया। उसके बाद इसके लिए हम यहाँ पे ना 1 बाउल में 2 चम्मच के करीब में मैदा लेंगे और थोड़ा सा नमक डालकर इसमें पानी डालकर इसका पतला सा बैटर तैयार कर लेंगे। हमें इसे थिक नहीं बनाना, पतला सा बैटर इसका तैयार करना है। और उसके बाद एक प्लेट में इसे एक ब्रेड को डालेंगे और आलू वाले पनीर वाले मिक्सचर को डालेंगे और चारों तरफ से इसमें ना हम पानी से इसे सॉफ्ट कर लेंगे ब्रेड पे डाल के। और इसे अच्छी तरह से रोल कर लेंगे। पानी डालने से ना ब्रेड बहुत सॉफ्ट हो जाता है, उसके बाद ये अच्छी तरह से रोल हो जाएगा और साइड भी इसका हम अच्छे से पैक कर लेंगे जिससे खुले नहीं। और कहीं कहीं से क्रैक रह भी जाए तो आप परेशान ना हो, उसे हम ब्रेड क्रम्स में जब डालेंगे ना तो ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, चारों तरफ से पैक हो जाएगा। और इसी तरह से हमें दूसरा ब्रेड भी तैयार करना है। दोस्तों आप एक बार इस नाश्ता को बनाकर जरूर देखिएगा, बहुत ही टेस्टी बनता है।
और हमें ना इसी तरह से सारे ब्रेड को तैयार करना है। यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, इस बैटर में इसे ना डीप कर लेंगे हम। और ये हमने ब्रेड के किनारा का जो पीस कर ब्रेड क्रम्स बनाया ना, उसी में इसे चारों तरफ से कोट कर लेंगे। इसी तरह से मैं ना दूसरा रोल को भी आपको तैयार करके दिखाती हूँ। और हमारा सारा ब्रेड रोल तैयार हो गया। और हमने ना यहाँ पे तेल को पहले ही हल्का गर्म करके रख लिया है और इसमें सारे रोल को डाल देंगे। गैस का फ्लेम ना यहाँ पे मीडियम ही रखें। ज़्यादा तेज में क्या होगा ना कि ये ब्रेड ऊपर से जल जाएगा और अंदर से पकेगा नहीं। और थोड़ा थोड़ा तेल हम ऊपर से भी डाल देंगे जिससे अच्छी तरह से ऊपर से भी सिक जाएगा। और इसे ना हमें उलट पलट के चारों तरफ से अच्छे से पका लेना है। इसे ना हमें गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। और गैस का फ्लेम ना हम मीडियम ही रखेंगे, मीडियम टू लो, नहीं तो ये ऊपर से जल जाएगा। अब ये चारों तरफ से अच्छी तरह से सिक चुका है तो इसे हम निकाल लेंगे स्ट्रेनर पे। और देखिए कितनी अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, कितना अच्छा लग रहा है। और इसके बाद बचा हुआ जो ब्रेड है उसे भी हम डाल देंगे। देखा ना दोस्तों, ये नाश्ता कितनी आसानी से, कितनी जल्दी बनकर तैयार होता है और कितना टेस्टी बनता है। आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा और मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये। और अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा प्लीज़।